यूपी के कौशाम्बी दौरे पर आए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से खास बातचीत की गई। विधानसभा 2022 की तैयारी और अन्य मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता मीराज शेख ने प्रदेश अध्यक्ष से किए तीखे सवाल। आइए आपको दिखाते हैं यह एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी न्यूज 24। मैं आपके साथ हूँ मीराज शेख। आज हमारे साथ खास मेहमान है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी। आइए आज उसे खास बातचीत करते हैं कि 2022 को लेके उनकी क्या तैयारी चल रही है, क्या ये 2022 में फिर वापसी के लिए तैयार हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जनता वापस करे जी, 4 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया जी, सामाजिक समरसता को बिगाड़ दिया, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को चौपट कर दिया, कानून व्यवस्था को चौपट कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी, किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा, लाभकारी मूल्य देने का वादा था, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा था, लोगों की आय दोगुना करने का वादा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, देश के अंदर सभी वर्ग बहुत ही परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी की गलत बयानी से, भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी से, लोगों में बेचैनी, और 2022 का चुनाव परिवर्तन होगा और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सामाजिक समरसता की सरकार। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तब से किसान बैठे हैं सड़कों पे, उसके बाद अब गर्म भी पड़ने लग गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनकी बातें सुनी नहीं जा रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को पूरे देश के किसान नहीं, पूरी दुनिया के लोग हैं, दुनिया के पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बदनाम किया। भारत किसानों का देश है, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, और इस देश का जब किसान परेशान होगा तो जान लीजिए कि देश के हालात क्या है। और भारतीय जनता पार्टी कैपिटलिस्टों को, पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाने का मौका दे रही है और गरीब लोगों को गरीब बना रही है, और सामाजिक समरसता बिगाड़ करके, भाईचारे को बिगाड़ करके राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस बात को 2022 में जनता बता देगी भारतीय जनता पार्टी। ईवीएम के बारे में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, क्या लोकतंत्र के लिए सही है? मेरी राय निश्चित रूप से ईवीएम के बारे में स्पष्ट है कि ईवीएम में छेड़छाड़ होती है। 2019 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2000 ये जो अभी चुनाव हुआ लोकसभा का, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम से खेल किया। पूरे देश में इस बात की है कि काम कुछ नहीं बीजेपी कर रही, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, समाज में अराजकता है, और इसके बाद भी बीजेपी जीत रही है। ईवीएम हटना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर का एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी 11 विधान परिषद की सीटों का चुनाव हुआ, 11 विधान परिषद की सीटों में जो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो बनारस से आते हैं, बनारस में गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, इन सारे जिले के पढ़े लिखों ने बैलेट पेपर से बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया, समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव और आशुतोष सिन्हा को चुनाव जीता दिया। इसी तरीके से इलाहाबाद जो झांसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहीं से तो हैं, यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, यहाँ डॉक्टर मान सिंह समाजवादी पार्टी की जीत, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव के कैंडिडेट डॉक्टर मान सिंह चुनाव बैलेट पेपर से जीत गए। आप अयोध्या वो देखिए, गोरखपुर जहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के गृह निर्वाचन क्षेत्र में ध्रुव कुमार त्रिपाठी निर्दलीय चुनाव जीत गए। बैलेट पेपर से चुनाव होता है बीजेपी हारती है, ईवीएम होता है। विपक्ष का हमेशा से आरोप रहता है भाजपा सरकार का कि ये जहाँ जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम सही हो जाती है और जहाँ जहाँ हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है। देखिए, हम जहाँ जीतते हैं जहाँ हारते हैं पता है, हम लोग भी राजनीतिक, हमारे लोगों का भी लंबा समय, हम ईवीएम की पद्धति के पक्षधर नहीं है। हम चाहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाए। अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो पूरे देश की स्थिति आपको उलट उलट दिखाई देगी। सर, युवाओं में बेरोजगारी है, बेरोजगारी के बारे में क्या हताशा है? बेरोजगारी समाप्त करने का वादा किया, 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 7 वर्ष हो गए, 7 वर्ष में 14 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात होती। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ 24-25 करोड़ है, और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है। 2 करोड़ के आंकड़े के हिसाब से अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप जोड़िए तो आपका अनुपात क्या है? 0.5% नहीं है। आप बेरोजगारी को दूर करने में विफल हैं और दूर करना भी नहीं चाहते, बेरोजगारी को दूर नहीं करना चाहते, ये गरीबी बढ़ाना चाहते हैं, और इसी कारण से जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी,
तब तक गरीबी दूर नहीं होगी और हिंसा बढ़ती रहेगी। इसीलिए भारत के अंदर अराजकता का माहौल बीजेपी की सरकार के समय है, क्योंकि रोजगार की तरफ उनका ध्यान नहीं है। लोगों का ध्यान इधर उधर की बातों में भटकाना, जनता की जिन बातों पर कोई ध्यान नहीं है उन पर ले जाना, कैपिटलिस्टों को पूंजीपतियों को पूंजी बढ़ाने का मौका देना, ये बीजेपी के चरित्र है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ इतना समय देने के लिए। कैमरा पर्सन कलीम के साथ मेरा से।